टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में एक किस्सा शेयर किया था। इसमें पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ओर से उनके जेवलिन को लेने की बात कही गई थी। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ था। अब गुरुवार को नीरज चोपड़ा ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। ट्विटर पर वीडियो जारी करते हुए नीरज ने कहा कि थ्रो फेंकने से पहले हर कोई अपना जेवलिन वहां रखता है। ऐसे में कोई भी प्लेयर जेवलिन को उठा सकता है और अपना अभ्यास कर सकता है। ये एक रूल है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। चोपड़ा ने कहा कि अरशद अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर मैंने अपना जेवलिन मांगा। नीरज ने यह भी कहा कि मेरा सहारा लेकर लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, जो कि गलत है। खेल सभी को मिलकर चलना सिखाता है। सभी खिलाड़ी आपस में प्यार करते हैं, तो कोई भी बात ऐसी ना करें जिससे हमको कोई ठेस पहुंचे। एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो एक जो जेवलिन है पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नजीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो है उसे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।